तो भाई ये देख लो यहाँ पे ब्रेड पकोड़े कितने बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, एकदम फुले फुले अभी बने हैं ये ताजे ताजे गरम गरम। तो देख लेते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या मसाले इसमें डाले जाते हैं, और जो मेन चीज़ इसकी होती है ना वो होता है इसका बैटर जो बेसन का बनाया जाता है वो देखेंगे किस तरीके से बनता है, और जो इसकी स्टफिंग होती है ना आलू की वो देखेंगे किस तरीके से बनती है, क्योंकि मसाले तो उसी से आएंगे, टेस्ट उसी से आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करना कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इतने बढ़िया ब्रेड पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन कितना लेंगे भैया? आधा किलो। आधा किलो यहाँ पे बेसन लेंगे। और भैया ये बेसन कौन सा है, बारीक वाला या मोटा वाला है? बारीक है, राजधानी। अच्छा, राजधानी बेसन है, बारीक वाला। बारीक वाला बेसन लेना आपको। मार्केट में दो तरीके के बेसन आते हैं, एक बारीक होता है एक मोटा होता है। जो मोटा होगा ना वो ज्यादा येलो होगा, ये बारीक वाला आपने लेना है। आधा किलो बेसन का बन रहा है ये, आधे चम्मच ये दिखाना भैया, आधे चम्मच ये, आधा चम्मच भैया ने लिया है। क्या भैया? ये सोडा। सोडा ठीक है, मीठा सोडा ये आधा चम्मच है ना। आधे चम्मच अजवाइन, ये देख लो चम्मच अजवाइन, ठीक है। ये क्वांटिटी आप देख लेना, आधी चम्मच बोल रहे हैं भैया, चम्मच थोड़ा बड़ा होता है इनके यहाँ इसलिए आधी चम्मच बोल रहे हैं। ये आधी चम्मच ही, ये देख लो नमक भी उतना ही है, सेम आधा चम्मच बोल रहे हैं। डाल दो भैया आप। हाँ जी, अब पानी डालना है। अच्छा पानी डालना है इसमें, ये देख लो डाल दो भैया। थोड़ा डालना है, 250 ग्राम के करीब। अच्छा ठीक है, 250 ग्राम के करीब, मतलब जितना बेसन होगा उसका आधा पानी। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा पतला हो जाएगा फिर दिक्कत होगी, गाढ़ा होगा तो बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो भैया कह रहे हैं जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, तो उस तरीके से जैसे कि गीला ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना, ताकि ये गीला ना हो और इसमें लम्स ना रह जाए। ये देख लो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको मिलाना है, ऐसे आपको ये मिलाते रहना है। भैया इसमें अभी कुछ मसाले डलेगा और नहीं जी, मिर्च वगैरह कुछ नहीं डलेगा? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब जो इसका टेस्ट आएगा वो आलू के मसाले में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हम अभी आगे देखेंगे आलू का मसाला जो इसका होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, मिलाना है ताकि घाट ना रहे। हाँ देख लो भैया किस तरीके से गोल गोल इसको फेंट रहे हैं, घुमा रहे हैं, ताकि इसमें गांठे ना रहे, लम्स जो रह जाते हैं ना वो ना रहे इसमें। इस तरीके से आपको ये करना है, पूरा प्रोसेस देख लो इसका। 500 ग्राम बेसन है तो उसमें 250 ग्राम पानी जाएगा, 1 किलो बेसन है तो उसमें 500 ग्राम पानी जाएगा। फिर हाँ जी, अगर ज्यादा गाढ़ा ना घुले ताकि उन्हें टूट जाएगा ब्रेड, उसी में रह जाएगा। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा अभी पहचान इसकी। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं पहले मैं इसको कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि प्रॉपर जब ये हो जाता है ना तो इसकी थिकनेस वगैरह कैसी रखनी चाहिए। ये इस तरीके से आपको गोल गोल इस तरीके से फेंटना है, गांठ नजर नहीं आ रही। ये देख लो, ये पहचान है इसकी, ऐसे रहना चाहिए। ये देख लो भैया दिखा रहे हैं, दिखाना भैया ये देख लो, और भैया हाथ में दिखाना, भैया दिखा रहे थे हाथ में, ये देख लो एक भी गांठ इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, ये अब जी रेडी हो गया घुल के। अच्छा ये रेडी हो चुका है ना भैया? हाँ जी। ठीक है, तो चलो ये रेडी हो चुका है, अब देखते हैं जो इसका आलू का मसाला लगेगा ना, जो स्टफिंग होती है ब्रेड पकौड़े की वो किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आलू को भुना जा रहा है, जो स्टफिंग में जाएगा सबसे पहले आपका 100 ग्राम तेल। 100 ग्राम तेल है ये। ठीक है, में जाएगा धनिया, जाएगा साबुत धनिया, जाएगा 3 चम्मच छोटा वाला गांव घर वाला। ठीक है, 3 चम्मच आपका धनिया साबुत, और 2 किलो आलू के हिसाब से बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि समोसे और ब्रेड पकौड़ी की जो स्टफिंग होती है सेम होती है, तो ये दोनों के लिए बन रहा है। 1.5 चम्मच जीरा 1.5 चम्मच जीरा, तो बार बार अलग से भुनेंगे नहीं, तो एक बारी में ही दोनों को भुन के बता रहे हैं। और अंकल कई लोग बोलते हैं कि आलू और ब्रेड पकौड़े का आपने एक ही रख दिया, तो एक ही होता है ना हर जगह? एक ही होता है, एक ही होता है। लोग ऐसे बना लेते हैं, हाथ में मार के मसल के बना देते हैं। अच्छा, हल्दी लगा के, हम हल्दी वाली लगाते हैं। ठीक है, पर लेकिन रहता सेम ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम अदरक। हाँ जी, अभी बता दें। ठीक है ठीक है अंकल, इसमें मसाले बना रहे हैं पर अलग अलग रख रहे हैं, टेंशन मत लो, हल्दी है, लाल मिर्च है, कुछ नहीं छुपाएंगे, खुल के बताएंगे, सब बता देंगे। थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं, ये आपका गरम मसाला, और ब्रांड भी आपको दिखा दूँ, ईगल है। ठीक है, हम सब बता देंगे ना, अब बिल्कुल ही घर के मसालों के हिसाब से बता रहे, ताकि आप इजीली इसको बना सको, घर पे अवेलेबल हो ये सारे मसाले। धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च। अब क्वांटिटी आपका भी थोड़ी देर में बताएंगे कितनी कितनी।
गैस अंकल ने यहाँ पे कम कर दिया बहुत, ठीक है, ताकि जले ना। डेढ़ चम्मच मिर्ची लाल, डेढ़ चम्मच मिर्ची घर के साथ, गरम मसाला डेढ़ चम्मच है, गरम मसाला डेढ़ चम्मच, दो चम्मच धनिया है, दो चम्मच धनिया, एक हल्दी है, एक चम्मच हल्दी है, ठीक है, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अभी गरम मसाला डाल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे अंकल जी थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, ये अपने हाथ चम्मच, एक चम्मच अपने हाथ का बना वाला चम्मच है ये घर वाला। अच्छा अंकल जी जैसे घर पे तो लोगों को पता नहीं कैसे बना आपने, बट लेकिन घर पे फिर अगर घर वाला जो ये आपने डाला है वो एक और चम्मच बढ़ा दे, अपना जैसे खाना हो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं जैसे आपने एक चम्मच तो एक्स्ट्रा और डाल देना गर्म मसाला, तो अगर ये हमारे पास नहीं है तो जो हम डाला है अभी पैकेट वाला डाल दो, एक और चम्मच एक्स्ट्रा डाल दे, चलिए ठीक है, जितना भी आपने डाला उसमें एक चम्मच एक्स्ट्रा कर देना। डालेंगे 200 ग्राम मटर, 200 ग्राम जाएगा आपका मटर। इस गरम मसाले की भी रेसिपी लाएंगे जल्दी, आपको बताएंगे इसमें क्या क्या डाला है। कमेंट करो अंकल से कि ये गरम मसाले की रेसिपी चाहिए। चलो भाई डल के सारे मसाले, तो हम एक गांव में जैसे बनाते हैं घर में देसी मसाला उसी रात बना रहे हैं, ठीक है। रहता तो अंकल इसमें वही है ना, वही सारे खड़े मसाले को पीस, बस क्वांटिटी देखनी है कितनी है, वो अभी किसी दिन हम बनाएंगे उसकी वीडियो भी गरम मसाला। आप बस कमेंट करो एक कि रेसिपी चाहिए आपको गरम मसाले की, तो हम लाते हैं फिर। नमक एक घर वाला 3 चम्मच, 3 चम्मच आपका नमक, 2 किलो आलू के हिसाब से, ठीक है याद रखिएगा, घर वाला चम्मच, घर वाला डाल दो आप, ठीक है, मेरा घर वाला जाओ फिर, हाँ कहीं नमक ज़्यादा हो जाए। बस थोड़ा सा भुनने के बाद आपने इसमें आलू डाल देना, ये आपके 2 किलो आलू उबले हुए आलू है, बदकल अच्छे से मिला देना। हाँ जी हाँ, किसे पकाना भी अभी नहीं, नहीं और गर्म हो जाएगा ना तो आलू मुलायम को टूट जाता है, ठीक है, बस मिलाना आपको अच्छे से, 1-2 मिनट अच्छे से मिला के ऐसे मार के आपका ये हो जाएगा। तो ये देख लो भाई अंकल ने अच्छे से इसको मिला दिया, अंकल ने गैस कर दिया अंकल ने बंद, इसमें डलेगी थोड़ी सी धनिया की पत्ती और ये आपका बन के रेडी है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, अंदर जाके उसका जो शेप होता है वो सीखते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है, ये तो काफी सारी है क्योंकि समोसे और ब्रेड पकोड़े दोनों में इसको यूज होना है, ठीक है। तो आपने देखा था किस तरीके से बनाई जाती है आलू को बॉईल करके, क्या क्या मसाले इसमें डाले जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में डाले जाते हैं। अब अच्छे से इसमें धनिया ऊपर से बिछा दिया, एक बार भैया हटा के दिखाओगे, ये देख लो ये हमारा पूरा आलू का बढ़िया सी स्टफिंग रेडी है, देखने में काफी बढ़िया लग रही है। तो चलिए अब इसको ब्रेड में लगाते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम आगे देखते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे पानी मिला रहे हैं इसकी स्टफिंग में ताकि आलू अच्छे से चिपक जाए ब्रेड के ऊपर, जो ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग थी ना उसमें आलू में हल्का सा पानी मिलाया ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। पानी डाला है। अच्छा 100 ग्राम पानी डाला होगा अंकल, ताकि मुलायम हो जाए ना, हाँ ताकि ये मुलायम हो जाए और ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। ये देख लो और मसाला आपको इतना ज्यादा भी नहीं भर देना है कि आपका ब्रेड ही फट जाए, ठीक है। क्वांटिटी देख लो मसाला कितना भरना है ब्रेड में, ये हाथ से भरो, चम्मच से भरो, चाकू से भरो, जिस मर्जी से भरना है उससे भरो आप, लेकिन क्वांटिटी देख लेना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये लगाते रहेंगे तो ब्रेड आपने देख लिया था किस तरीके से भननी है और जो उसके अंदर की आलू की स्टफिंग थी वो मसाला भी आपने देख लिया था किस तरीके से रेडी होता है। ये हमारा बैटर है और ये हमारा तेल है। तो भैया तेल कितना गरम रखना है इसके लिए? फुल गरम। हाँ जी देखो जैसे हमको अंदाजा नहीं हो रहा, आइडिया नहीं हो रहा, ये तो घर में इतना नहीं है, देखो ऐसे मान लेना जैसे। अच्छा पानी के छींटे मारना जब ऐसे एकदम तेज की चड़कन सी हो जाए तो इसका मतलब गरम हो चुका है। तो अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो भैया किस तरीके से करते जाएंगे। ये देख लो ऐसे डाला और ये देखो कितना बढ़िया तरीके से निकाल दिया और तेल में ये देख लो एक भी नहीं आता। घर में हम करते हैं तो ऐसे बूंदी की तरह, जैसे बूंदी का प्रसाद होता है ना, वो पूरा कढ़ाई में हर तरफ फैल जाता है इस तरीके से। ये देख लो ऐसे पलटते जाना है इनको और आंच तेज रहेगी भैया इसमें? हाँ जी बिल्कुल, खोल रखी है मैंने, ज्यादा तेज भी नहीं रहेगी, तेल ज्यादा गर्म है तो उसी हिसाब से खोली जाती है। अच्छा मीडियम तेल के हिसाब से खोली जाती है लेकिन आप घर में मीडियम रखना, ठीक है। ये देख लो इस तरीके से ये डालते जाएंगे, निकालना भी नहीं पड़ेगा ना। ये देख लो
इस तरीके से, ये देखो। और ज्यादा पीस नहीं बना रहे, थोड़े से ही बना रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, वीडियो के लिए। और साथ के साथ ये निकाल के यहाँ पे रखते भी रहेंगे, ताकि जैसी कोई कस्टमर आए उसको फटाफट गर्म करके। हाफ फ्राई निकाले जा रहे हैं। अच्छा, ये हाफ फ्राई निकाल रहे हो भैया आप इनको? हाँ जी, और अगर जैसे घर में किसी को खाने हो तो उसको फ्राई निकालोगे तो अच्छा पक जाएगा। अच्छा, मतलब फिर उसको दोबारा फ्राई करके खाएंगे तो ज्यादा क्रंची सा बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। जैसे भैया कह रहे हैं ये हाफ फ्राई में ही निकाल दे रहे हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले, ठीक है। फिर इसको ये दोबारा गर्म करेंगे इसमें डाल के, जिससे कि ये और ज्यादा क्रंची हो जाएंगे, जो इनका बेसन वगैरह वगैरह वो बाहर से और ज्यादा पपड़ी उसकी और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये देख लो। तो भैया हाफ फ्राई होने में इसको कितना मिनट लगेगा, एक से दो मिनट? हाँ जी, हाफ फ्राई तो तुरंत ही हो जाता है जी। ठीक है, ये हाफ फ्राई है जी। हाँ जी, तो ये देख लो, ये हो गया हाफ फ्राई आपका। ये भैया निकाल रहे हैं इसको, निकाल दो भैया। ये लो, फुल फ्राई होने वाला है। ये अब डाल रहे हैं भैया फुल फ्राई के लिए। अब देखना है कैसे फूल जाएंगे बिल्कुल एकदम। ये देख लो। और भैया टोटल इसको कितना टाइम लगता है पकने में? पकने में दो मिनट लगती है, आधा तो हाफ है ही, फुल होने में दो मिनट लगता है। अच्छा, मतलब भैया कह रहे हैं 40-50 सेकंड इसको हाफ डन होने में लगता है, फिर 1.5 मिनट के लगभग इसको फुल डन होने में लगता है। अब देख लो कितने बढ़िया तरीके से फूल रहे हैं, ये देख लो यहाँ पे। अभी तो देखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं यार। और हम लोग घर में बनाते हैं तो ब्रेड के पीस कम होते हैं, और ऐसे जो दाने दाने से होते हैं ना साइड में बेसन के, वो ज्यादा हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि आपका ये जो बेसन का बैटर होता है ना, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये देख लो यहाँ पे ये हो चुका है, ये देख लो, दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं भाई। तो ये थी आज की रेसिपी, आज की वीडियो, ब्रेड पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं शॉप वाले। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।